हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। जो लोग मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि मैंने अपनी प्रेगनेंसी के लिए पहले IUI करवाया, जिससे मुझे एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई जो कि कंटिन्यू नहीं की गई। फिर मैंने IVF करवाया, जिससे मुझे ट्विन्स प्रेगनेंसी हुई, मेरे दो बेटे हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है छठी पर। देखिए, मैंने बहुत दो तीन वीडियो बनाई थी जन्माष्टमी के ऊपर के आप कैसे इनको गोद ले सकते हो और कैसे जन्माष्टमी की आपको पूजा करनी है। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे नहीं की है, तो वो छठी पे भी मंदिर जाके, छठी बहुत अच्छे से मंदिरों में मनाई जाती है, तो वहाँ से अपनी गोद भराई कर सकती हैं। गोद भराई के लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो जाके। अब जिन्होंने गोद भराई कर ली थी, उनको ज़रूर से ज़रूर छठी की पूजा करनी होगी। आप ज़रूर छठी की पूजा कीजिएगा। देखिए, हमारे यहाँ छठी की पूजा नहीं होती है, मतलब जैसे बच्चा भी होता है तो हमारे, या तो हम पंजाबी हैं और पंजाबियों में या तो एक तो पांचवें दिन पे नहलाया जाता है, फिर ग्यारहवें दिन में जैसे चौका चढ़ाते हैं, जैसे मतलब रसोई घर में प्रवेश करवाते हैं तो सब कुछ बनता है, पूजा होती है जैसे, तो हमारे ग्यारहवें पे होती है। एक पांचवें पे पूजा होती है, फिर ग्यारहवें पे होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के, जैसे भगवान कृष्ण के हैं तो वहाँ पे छठी मनाई जाती है, तो वो कैसे मनानी है आपको, वो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। आपने अपने घर में भगवान जी को उस दिन पूजा की थी, उनका जन्म करवाया था, तो जरूर छठी भी बनाइएगा। सबसे पहले उनको, उनकी जो है भगवान जी की, आप देसी घी से आपको मालिश करनी है, पहला पॉइंट है। इतना सा देसी घी लेके आप उनकी पूरी, जैसे हम बच्ची की मालिश करते ही हैं वैसे आपको मालिश करनी है। फिर आपको उनको कच्चे दूध में 3 डुबकी लगवानी है। जैसे हम खुद जाते हैं ना हरिद्वार वगैरह, तो हम डुबकी लगाते हैं अपना नाक पकड़ के, है ना, पानी में, तो ऐसे ही कच्चे दूध में आपको डुबकी लगवानी है। वो दूध आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो, उसकी खीर बना सकते हो, वैसे भी आप प्रसाद के रूप में सब दूध पी सकते हो, चाय में डाल के बाद आपको पानी से स्नान करवा देना है। नॉर्मल जैसे आप करवाते ही हो स्नान, वैसे आपको करा देना है। फिर आपको हो सके तो आप इत्र ज़रूर लेके आइएगा। देखिए, कल छठी मनाई जाएगी, फिर मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ, तो आप ज़रूर आज ही सामान ले आइए। ये वीडियो मैं अभी के अभी अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो एक आप इत्र लगाइएगा स्नान करवाने के बाद अच्छे से। अगर आपने सूट पहना है तो अपने दुपट्टे से उनको पोंछिएगा, जैसे हम अपने बच्चे को करते हैं ना, वैसे ही हमने उनको करना है कि वो हमने बच्चे को गोद लिया है, वैसे आपको करना है, ठीक है। फिर आप उनके इत्र लगाइएगा, हम अपने बच्चों के पाउडर लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं ना, वैसे कीजिएगा। फिर इस दिन जो है छठी वाले दिन आप पीले वस्त्र पहनाइएगा, पीली उनकी कोई भी ड्रेस ले आएँ, पीली ड्रेस उनको अच्छी लगती है, पीला रंग कान्हा जी को काफ़ी प्रिय है, तो पीले रंग का उनको कोई भी ड्रेस उनकी पहनाइए, ठीक है। उसके बाद उनको जो है आपने नज़रिए ज़रूर पहनाने हैं। आपको मार्केट से, पूजा वाली दुकान से नज़रिए के मोती मिल जाएंगे या फिर नज़रिए ही मिल जाएंगे, तो आप उसको छोटे करके उनके हाथों में, यहाँ पे छोटे छोटे नज़रिए, जैसे हम हाथ में बच्चों के काला धागा बांधते हैं ना, ऐसे करके आप उसको कृष्ण भगवान को, लड्डू गोपाल को पहनाइएगा दोनों हाथों में, ठीक है। उसके बाद आपने काजल बनाना है। काजल कैसे बनाते हैं, जैसे कोई भी जो जगरी होती है ना, उसके ऊपर चम्मच उल्टा करके रखिए, जो कालक आ जाएगी ना उसके ऊपर, वो काजल बन जाएगा, ठीक है। वो आप सरसों के तेल का भी बना सकते हैं, देसी घी का भी बना सकते हैं, तो वो उंगली के साथ उनकी आंखों में लगाइएगा, जैसे बच्चों को लगाया ही जाता है। हमारे नहीं करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि हरियाणा में और यूपी साइड, यहाँ पे सब, राजस्थान में यहाँ सब छठी ही मनाई जाती है, ठीक है। तो काजल आपने बना दिया। इस दिन जो भोग बनेगा, वो आपको स्पेशली कड़ी चावल का भोग बनाना है। जी हाँ, आप मंदिरों में भी जाओगे छठी वाले दिन, आपको कड़ी चावल का ही भोग उस दिन लगता है कृष्ण भगवान को, तो आप स्पेशली कल बिना लहसुन प्याज के आपको बनानी है। तो जो बेसन की कड़ी होती है वो आप बनाइएगा, वो सब्जियाँ डालने वाली कड़ी नहीं, ये जो खट्टी कड़ी होती है ना, ये आप छठी पे भोग लगता है, कड़ी चावल का भोग लगता है इस दिन। तो आप चावल बॉईल कीजिए जैसे बनाते ही हैं, मतलब तड़का वाला मत बनाइएगा, प्याज वाले नहीं बनाना, लहसुन प्याज कोई भी नहीं यूज़ करता, वो तो मैं ऐसे बोल रही हूँ, कई बार कोई पूछ लेता है इसलिए मैं पहले ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो कड़ी चावल बनाइएगा, उसका भोग लगता है। बाकी आपकी श्रद्धा है या फल फ्रूट मिठाइयाँ, इनका भी भोग लगा सकते हैं। ये तो हो गया जिन्होंने जन्म करवा लिया है उनके लिए, है ना, जिन्होंने अपने घर
जन्माष्टमी वाले दिन ले आई थी। जो लड़कियां रह गई थी, जो नहीं ला पाई थी, एक लड़की का मुझे मैसेज आया था कि क्या हम शालिग्राम भगवान को कर सकते हैं। जी नहीं, आप उनको तो मेरा ख्याल नहीं कर सकते, क्योंकि इनको तो हम रोज़ की रोज़ स्नान करवाएंगे, है ना, अपने बच्चे की तरह उनका श्रृंगार करेंगे, लेकिन मुझे लगता है नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसे कीजिएगा, मैंने उनको भी मैसेज कर दिया था कि आप एक बार पंडित से पूछ लीजिए, मंदिर में जो पंडित जी बैठे होते हैं, एक बार उनसे पूछ लीजिए, अगर नहीं कर सकते तो आप बाजार से क्लिप भी अपने हस्बैंड को ही बोल सकते हो कि आप मुझे खरीद के और मुझे दे दो, है ना। तो आप कल भी मंदिर जा सकते हो, कल सैटरडे है, हर मंदिर में पूजा होगी, हर मंदिर में जहाँ जहाँ जन्माष्टमी मनाई थी वहाँ छठी की पूजा होगी, और वहाँ पे कीर्तन पे जो आंटियाँ बैठी होंगी या पंडित जी बैठे होंगे वो आपकी गोद में कान्हा जी दे देंगे। छठी पे भी आप इसको कर सकते हो। तो जो लड़कियां रह गई हैं उनके लिए मैं बताया है, बाकी जिन्होंने गोद भर ली थी अपनी जन्माष्टमी पे, वो छठी की पूजा जरूर करेंगी, क्योंकि ये तो सिंपल सा ही है, कोई भी कर सकता है घर में, है ना, कोई ऐसी बात नहीं है। नज़रिए की बात है, वो तो आपको दुकान से, पूजा वाली दुकान से मिल ही जाएंगे, या फिर ये जो सुनार की दुकानें होती हैं वहाँ से भी आपको नज़रिए मिल जाएंगे, है ना, काले मोती होते हैं जो, तो आप हाथ से भी इतने छोटे छोटे से बनेंगे, बाकी सामान तो आपके घर में ही अवेलेबल है। तो ये चीज़ आप ज़रूर करिएगा, और संतान गोपाल मंत्र का जाप करिएगा, देवकी सुत गोविंदा वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्णा त्वामहं शरणं गता। इस मंत्र का जाप आपको करना है, अपनी पूजा इसके साथ आप पूर्ण करेंगी। तो चलिए, आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिल जाएगी। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।